बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सईद आपके खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बन रही है लोधरा के मशहूर चर्ची के होटल की दाल माछ फ्राई। तो उसके लिए हमने सबसे पहले ये दाल माछ को गला लिया है। पानी में सिंपल दाल को डालें और उसके अंदर और कोई चीज़ नहीं डालें, सिर्फ दाल डाल के उसको गला लेना है। साथ में ये खुश मसाला जात ले लिए, टमाटर काट लिया, आप इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। इधर हमने घी गर्म कर लिया, घी थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर मैं आपको मिलता हूँ। लेकिन आलू घी गर्म हो गया, अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। तीस से 40 मिनट हमने इसको पकाना है और उसके बाद इसके अंदर ये टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर डालने के बाद अब हमने इसको ढक के पकाना है और इतनी देर पकाना है कि टमाटर बिल्कुल मैच हो जाए, एक स्मूथ सा जो है हमारा मसाला है ग्रेवी तैयार हो। मैं इसको ढक लूँ। नाज़रीन, हमने इसको तकरीबन 10 मिनट तक भून लिया है। टमाटर अच्छी तरह से मेल्ट हो गया, हल्का फुल्का रह गया, उसकी कसरत बाद में निकल जाएगी जब हम इसको मसाले के साथ भूनेंगे। अब हम इसमें अपने खुश मसाला जात ऐड करते हैं, जो कि कुछ यूँ हैं: रेड चिली पाउडर, कुटी हुई रेड चिली, ज़ीरा साबुत, चिकन पाउडर, धनिया पिसा हुआ, हल्दी और नमक। सारे मसाले ऐड कर देंगे। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो हल्का सा पानी भी लगा लें ताकि आपके मसाले जले नहीं। मसाले भूनते रहना है और टमाटर को मैश करते रहना है। इसके अंदर टमाटर का बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन आज मसाला हमारा भून गया अच्छी तरह। अब हमने इस पोके पे आके ये जो हमारी दाल है, हल्का सा इसके अंदर पानी भी है वो ऐड कर देंगे और इसको तेज़ आंच के ऊपर हमने पकाना, इतना पकाना है कि पानी इसका ड्राई हो जाए। और साथ ही ये तकरीबन 50 ग्राम आप कह लें या 100 ग्राम समझ लें चिकन है, इसको पानी में हमने उबाल लिया था। पानी के अंदर कोई चीज़ नहीं डालनी, सिंपल बॉईल करना है। ये इसके अंदर चला जाएगा। लेकिन आज पानी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, दाल हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई है। अब इस मौके पे आके गरम मसाला और ब्लैक पेपर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, थोड़ा सा धनिया ये ऐड हो गया। अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखें नाज़रीन, दाल हमारी तैयार हो चुकी है। अब इस मौके पे आके अब हमने फ्लेम बंद कर देना है और इसको गार्निश करेंगे कटे हुए अदरक के साथ, हरे धनिया के साथ और ग्रीन चिल्ली के साथ। इसको आपने ऐसे ही धनिया वगैरह डालने के बाद थोड़ी देर के लिए इसका ढक्कन दे देना है, एक से डेढ़ मिनट के लिए। एक से डेढ़ मिनट बाद मैं इसको डिश आउट करता हूँ, फिर मैं आपके साथ मिलता हूँ। लेकिन आज अब हमने ढक्कन उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितना प्यारा हमारी दाल तैयार हो गई है, लोधरा का मशहूर चर्सी होटल की। बिल्कुल उसी स्टाइल में बनाई है जिस तरह वहाँ पे वो लोग वो तैयार करते हैं।
ये मैंने आपको इसको डिश आउट करके भी दिखा दिया, इस तरह से वो लोग सर्विंग में देते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी दाल माश, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।